मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मैच हारकर भी पहुंचेगी प्लेऑफ में। रोहित को अब बस करनी होगी ये दुआ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आईपीएल 2023 प्लेऑफ मुकाबलों का समीकरण हर दिन रोमांचक होता जा रहा है। आईपीएल में लीग लेवल के केवल 6 मैच बचे हैं, वहीं केवल एक ही टीम प्लेऑफ में आधिकारिक रूप से पहुंच पाई है। अब भी कई टीमों के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। मुंबई इंडियंस टीम प्लेऑफ के लिए अब भी क्वालिफाई कर सकती है। गुजरात टाइटंस आईपीएल के प्लेऑफ में जगह सिक्योर कर चुकी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो चुका है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में हुए मैच के बाद आईपीएल में प्लेऑफ मुकाबलों में फिर से नए समीकरण उभरे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में कैसे पहुंचेंगी हम आपको बताएंगे। पंजाब का अगला मुकाबला 19 मई को राजस्थान से है। ऐसे में वह 14 पॉइंट्स ही ले पाएगी। वहीं मुंबई के फिलहाल 14 पॉइंट्स हैं। दूसरी ओर आरसीबी ने अभी 12 पॉइंट्स हैं और उनके 2 मैच बचे हुए हैं। ऐसे में वह दोनों ही मैच जीत गई तो उसके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में मुंबई इस बात की उम्मीद करेगी कि वह अपना मैच तो जीते ही, वहीं आरसीबी सीएसके और LSG अपना मैच हारे। आपको क्या लगता है कि मुंबई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं? अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।